तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट के बारे में बता रहा हूँ, या बोल सकते हैं कमाल की एक न्यूज़ के बताने वाला हूँ। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी के बहुत बड़े फैन हैं तो आपको पता होगा सैमसंग गैलेक्सी का जब भी एस सीरीज लॉन्च होती है तो उसके बाद एफ ई एडिशन भी लॉन्च होता है। जैसा कि S20 FE आया था, S21 FE आया था, S22 FE नहीं आया था और S23 FE आया था। जो एफ ई वाले मॉडल्स होते हैं वो उसके अंदर प्रीमियम जो फीचर्स जो S24 या S23 उसमें जो होते हैं वो आपको एफ ई वाले एडिशन में आपको मिल जाते हैं। तो प्रीमियम लुक भी मिलता है और प्रीमियम आपको फीचर्स भी मिलते हैं। तो एज पर रूमर्स और एज पर इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है उसके हिसाब से मुझे पता लगा है कि S24 FE लॉन्च होने वाला है और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जैसा कि पिछला S23 FE जो आया था वो अक्टूबर के अंदर लॉन्च हुआ था, बट ये वाला जो S24 आने वाला है ये समर एंड में आने वाला है। हो सकता है जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी ये लॉन्च हो सकता है और एज़ पर रूमर्स बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। और सबसे बढ़िया इसमें एक रूमर्स एक और आया है कि इसका जो साइज़ है ना, नॉर्मल जो FE वाले मॉडल्स होते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जैसा कि नॉर्मल जो FE मॉडल्स आते हैं उनका जो साइज़ रहता है 6.1 का डिस्प्ले रहता है, 6.1 इंच का डिस्प्ले रहता है, बट एज़ पर रूमर्स जो इसका साइज़ आने वाला है 6.5 या 6.7 तक इसका जो डिस्प्ले साइज़ होने वाला है वो आपको उसके अंदर मिलने वाला है। और ये जो एडिशन आएगा ये इसके अंदर आपको जो उसका बेस मॉडल रहेगा 12 GB से लेकर 12 GB का रैम रहेगी और 256 GB का उसके अंदर हार्ड डिस्क आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि S23 FE जो आया था उसके अंदर S22 का प्रोसेसर एड ऑन किया गया था, तो ऐसे ही लग रहा है कि S24 जो FE आएगा उसके अंदर आपको प्रोसेसर S23 FE का सॉरी उसके अंदर आपको S23 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसमें Exynos 2400 मिले या फिर Snapdragon 8 जनरेशन 3 मिले, यही आपको प्रोसेसर उसके अंदर मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे। उसके साइज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, 6.1 साइज़ जो कम नॉर्मल रहता है FE मॉडल का उससे हैवी या मतलब उससे लार्ज ही डिस्प्ले का अब ये रोल आउट करने वाले हैं। फिलहाल ये अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ये एज़ पर रूमर्स मैं आपको बता रहा हूँ यही इसके अंदर दिखने वाला है। इसके अलावा जैसा कि आर कोड मैंने आपको बताया, जैसा कि जितने भी FE वाले मॉडल्स हैं जितने भी मॉडल्स होते हैं कंपनी में उसका एक कोड को जनरेट कर लिया जाता है जिसको इजीली वो लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो S20 जो FE था उसका आर कोड था R8, S21 FE था उसका आर कोड था R9, ऐसी S22 FE का था आर कोड R10 जो कि लॉन्च नहीं हुआ पर उसका आर कोड जनरेट हो गया था, ऐसे ही S23 FE का आर कोड था R11 और S24 FE का भी आर कोड जनरेट हो चुका है जो कि है S24। तो इस हिसाब से लगता है कि बहुत जल्दी ये रोल आउट होने वाला है और मैं बहुत अच्छे से उसका वेट कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आएगा सबसे पहला फ़ोन मैं लूँगा भोपाल में। मैं भी लगता है अगर यहाँ पर आया तो सबसे पहला फ़ोन मैं लूँगा और उसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि S24 लूँ या S24 FE लूँ। अब मैंने फाइनल कर लिया है कि S24 FE मैं पहले दिन ही लूँगा और उसकी आपको अनबॉक्सिंग और उसकी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल अगर आप सैमसंग एडिशन के सैमसंग के फ़ोन का फ़ैन है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सैमसंग से रिलेटेड सारी टिप्स एंड सारी टैक्स आपको इसी के अंदर मिलती रहेगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप पे भी मेरे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको फटाफट मिले, और हो सके इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।